नजर में सहदिल से स्वागत करती हूँ। कप्तान की नीतियां भाजपा के सहारे। कर मॉडल टाउन स्थित कप्तान अजय यादव के कार्यालय में कांग्रेसियों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली, जो कप्तान अजय यादव को रेवाड़ी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए उकसा रही थी, जबकि कप्तान अजय यादव अपने पुत्र चिरंजीव राव को टिकट दिलवाने के पक्ष में हैं। कप्तान अजय यादव विधानसभा चुनाव लड़ना तो चाहते हैं, पर हार की हेक्टिक नहीं बनना चाहते, इसलिए वे जनता से यह अपेक्षा रखते हैं कि जनता अगर जिताए तो चुनाव लड़े। कप्तान अजय यादव के लिए जहां भाजपा संकट बनी हुई है, वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी 36 का आंकड़ा रहा है। उन्होंने अनेकों बार पहले भूपेंद्र हुड्डा की खिलाफत की, पर कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी के दबाव के कारण उन्हें हुड्डा से समझौता करना पड़ा। चुनाव में कप्तान अजय यादव और भूपेंद्र हुड्डा के हाथ बेशक मिल जाए, पर दिलों का मिलना मुश्किल ही लगेगा। भूपेंद्र हुड्डा ने कप्तान अजय यादव के खिलाफ उन्हीं के पीए महावीर यादव मसानी को रेवाड़ी में खड़ा कर दिया, जिन्हें राव दान सिंह का समर्थन भी हासिल है। इन तमाम उलझनों के बीच कप्तान का विधायक बनना लगभग नामुमकिन सा ही लग रहा है। कप्तान अजय यादव के लिए जहां एक तरफ पार्टी के अंदर संकट है और दूसरी तरफ भाजपा का भारी वोट बैंक, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही कप्तान अजय यादव के लिए चुनाव लड़े या ना लड़े के निर्णय लेने की दुविधा बढ़ती जा रही है। कप्तान अजय यादव लगातार 6 बार रेवाड़ी से विधायक रह चुके हैं, पर अब उनका वोट बैंक भाजपा की ओर सरकता जा रहा है। आखिर न चाहते हुए भी कप्तान अजय यादव को कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ना पड़ेगा, जिसमें हार लगभग निश्चित है, बेशक उनका निजी वोट बैंक 25,000 का क्यों न हो। खबर को हम समय समय पर अपडेट करते रहेंगे, इसे देखना न भूलें। चुनावी अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल SSP टाइम्स की नजर को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब मौलिका को फिर से नमस्कार।